सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स की जरूरत होती है वो है आईसीआई मॉड्यूल, उसके साथ साथ आरटीपीज और एमटीपीज। अब ये रिविजन टेस्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट पेपर्स को किस तरह सॉल्व किया जाए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वन। सीए फाउंडेशन के जितने भी आरटीपीज एमटीपीज पीवाईक्यूज अवेलेबल है सब मैंने एक जगह लाके रखा है टेलीग्राम चैनल पे, एंड तुम अब इजीली एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम लोग बात करेंगे कि कैसे हर सब्जेक्ट का आरटीपीज एंड एमटीपीज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज किया जा सके। पहले बात करेंगे पेपर नंबर वन अकाउंट्स के बारे में। जैसे ही तुम एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, फॉर एग्जांपल तुम डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हो, कंप्लीट करने का मतलब यह होता है कि तुमने आईसीआई मॉड्यूल का सारा इलस्ट्रेशन एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस किया हुआ है। उसको करने के बाद आरटीपी को उठाओ। अब आरटीपी में ना चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो चिंता मत करो, तुम्हें क्वेश्चंस ढूंढने नहीं पड़ेंगे। डेप्रिसिएशन का चैप्टर में जाओ एंड तुम्हें एटलीस्ट एक क्वेश्चन मिलेगा। हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन ही रहता है डेप्रिसिएशन का, एंड इसे सॉल्व करो। 4 to 5 क्वेश्चंस होंगे, इसे सॉल्व करने पे तुम्हें एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में सीए फाउंडेशन एग्जाम में अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन चैप्टर से कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, एंड तुम उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंडली एमटीपीज को कब प्रैक्टिस करोगे? एमटीपीज को सिलेबस खत्म हो जाने के बाद ही प्रैक्टिस करना। उसके बाद बात करते हैं लॉ के पेपर के बारे में। यहां पे भी पेपर रिटन होता है। ओके, तो लॉ का सपोज तुमने एलएलपी का चैप्टर पूरा रीड कर लिया, समझ लिया सारे लेक्चर से, इसके बाद क्या करोगे? आईसीआई मॉड्यूल के पीछे जो क्वेश्चन है उसे एक बार सॉल्व करना, मतलब एटलीस्ट सोचने का कोशिश करना कि तुम आंसर कैसे फ्रेम करोगे। एंड चिंता मत करो, उसका भी सॉल्व आंसर पीछे ही दिया हुआ रहता है। वो चीज करने के बाद रिविजन टेस्ट पेपर्स को खोलो, एंड वहां पे भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल है। एलएलपी के चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर नहीं हो रहा है तो अपने टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो कि आईसीआई मॉड्यूल के पीछे कौन से क्वेश्चंस है, आरटीपीज में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, एमटीपी में कौन से क्वेश्चंस है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो तुम्हें आंसर्स याद रखने पड़ेंगे। लाइन टू लाइन नहीं, अपने भाषा में ही लिखना, बट पॉइंट्स ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा तुम्हें। पेपर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते क्योंकि एमसीक्यू पेपर है, तो एक स्टूडेंट को एटलीस्ट सिलेबस एक बार कंप्लीट करना ही पड़ता है, फिर जाके वो एमटीपी को अटेम्प्ट करता है। अब अगर तुम उसके पहले अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, सपोज तुमने एक चैप्टर सॉल्व किया उसके बाद ही तुम एमटीपी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने चले गए, तो तुम्हें काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है या फिर तुम डिमोटिवेट हो सकते हो, तो ऐसा काम मत ही करना। एमटीपी को लास्ट में ही सॉल्व करना। अब सपोज तुम्हारा कोई चैप्टर वीक है या तुमने कोई चैप्टर को छोड़ दिया है, तो तुम्हें आइडिया कैसे लगेगा कि तुम सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्रैक कर पाओगे? यही एमटीपी को सॉल्व करके, क्योंकि एमटीपी तुम्हें एहसास दिलाएगा कि तुम टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तुम उतना टफ क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में बैठ के सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एमटीपी पूरा सीए फाउंडेशन एग्जाम का फील दिला देता है। इसके बाद इको के बारे में जब बात करते हैं, मतलब पेपर नंबर 4, तो यहां पे भी ध्यान रखना, ये सबसे स्कोरिंग पेपर है, ये सारे सब्जेक्ट्स का एवरेज बेटर करने में हेल्प कर देता है। इसका भी एमटीपी सॉल्व करके जाना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बीसीके कुछ लोगों को टफ लगता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी होता है, तो एक बात मैं बता दूं कि पूरा पेपर नंबर 4 की तैयारी करने के बाद, मतलब इको एंड बीसीके पूरा तैयारी करने के बाद एमटीपी सॉल्व करके ही जाना, तो आइडिया लग जाएगा। सपोज तुम्हारा प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है, तो एटलीस्ट तुम्हारा एक अटेम्प्ट वेस्ट नहीं जाएगा। एमटीपी में अगर तुम फेल हो गए कोई देखने नहीं जाएगा, बट सीए फाउंडेशन में अगर तुम फेल हो गए तो वो अटेम्प्ट ना रह जाएगा, हर समय कहा जाएगा कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल किए हो। सो ये बात याद रखना, एमटीपीस को ध्यान से पहले सॉल्व करके जाना। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा है, एंड दैट्स इट फॉर नाउ गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे कंटेंट से तुम कंटेंट रहोगे।